Bilal Azarkiani to move item number 13. I wish to move that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House on the Elections Second Amendment Bill 2024. All those in favour of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the motion is over. कौमी असेंबली के बाद सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। आजाद उम्मीदवार मखसूस मुद्दत के बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। बिल हुकूमत रुकन बिलाल अज़हक़यानी ने पेश किया। नून लीग रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर रुकन पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता तो आजाद तसव्वुर होगा। जो शख्स 3 दिन में किसी पार्टी में शामिल हो तो किसी और जमात में नहीं हो सकता। जिस जमात की कोई सीट नहीं होती तो वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इस बिल में 3 शिके वही हैं जो पहले से आईन में दर्ज हैं। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। आप कानून साजी बेशक कीजिए, लेकिन कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए। अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर आप तरीके इंसाफ के मेंबरान असेंबली को तरीके इंसाफ में जाने से रोकने के लिए और खवातीन मेंबरान असेंबली को यहां पे आने के लिए उससे रोकने के लिए और अखिलियती मेंबरान के हक पे डाका डालने के लिए कानून साजी करें। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर कौमी असेंबली में हंगामा, ओपोजिशन का शोर शराबा। पीटीआई अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। ओपोजिशन की पेश करदा तमाम तरामीम को मुस्तरद। अली मोहम्मद खान ने कहा, ये बिल सुप्रीम कोर्ट का फैसला रोकने के लिए है, हम इसे नहीं मानते। वजीर कानून आजम नसीर तारण ने जवाब दिया कि कानून साजी आइन के मुताबिक है। ओपोजिशन अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हल्फनामे दिए हैं। मैं बारहा कह चुका हूं, इस मुअक्कर और मौजज ऐवान का प्रेरोगेटिव है, इख्तियार है, और ये कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े हो के मैं कह रहा हूं आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि इनके 81 लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है, तो भाई किसी एक बात पे खड़े हों। जनाब स्पीकर, ये जो लेजिस्लेशन हो रही है ये न सिर्फ रूल्स के खिलाफ है और न सिर्फ ये कानून के खिलाफ है बल्कि ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वामिन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। ये बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीन आवाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले जाना फिर किस तरीके से अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर अदालत जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल आईन और कानून के खिलाफ है। कानून साजी से पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीनी जाएंगी। साजिश के तहत पीटीआई अरकान से इंतखाबी निशान लिया गया। बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शेख हसीना वाजिद से बात करने का मशवरा। तुलबा तहरीक के मुतालबे पर बांग्लादेशी सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। 7 जनवरी के इंतखाबात के बाद बांग्लादेश की 12 पार्लियामेंट वजूद में आई थी। मुजाहरीन का नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा। मोहम्मद यूनस ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत संभालने के लिए रसामंदी जाहिर कर दी। कहा कि शेख हसीना वाजिद ने शेख मुजीबुर रहमान की मिरास तबाह कर दी। आज बांग्लादेश के अवाम आजाद हो गए, जमहूरी असूलों को अपनाएं और आजादी का लुत्फ उठाएं। पेरिस से जल्द बांग्लादेश आ रहा हूं, अवाम कानून की अमलदारी और अदलिया की आजादी को मद्देनजर रखें।
अमरीका का बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क्याम का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि बांग्लादेश की सूरत हाल का बखौर जायजा ले रहे हैं, तमाम फरीकैन तशद्दुद से बात रहे, इक्तदार की मुंतकली बांग्लादेश आइन के मुताबिक होनी चाहिए, एहतजाज के दौरान होने वाली हलाकतों पर शदीद अफसोस है। बरतानिया का मुजाहिरों पर बांग्लादेश में अक्वामे मुताहिदा की ज़ेर क़यादत तहकीकात का मुतालबा। दूसरे जाने बांग्लादेश से फरार के बाद शेख हसीना वाजिद भारत में मुकीम, बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक भारत में क़याम का इम्कान। पाकिस्तान से बगावत करने वालों के खिलाफ बांग्लादेशी अवाम ने बगावत कर दी। शेख मुजीबुर रहमान ने नफरत का जो बीज बोया, अब उसकी नस्लें जहर आलूद फल खाने पर मजबूर हैं। हसीना वाजिद के फरार के बाद अवाम ने शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़ डाले। गुस्से से लाल शहरियों ने शेख मुजीब और उसकी बेटी को गद्दार करार दे दिया। मुजाहरीन शेख मुजीब के आबाई घर और पार्टी दफ्तर को भी आग लगा दी। नौजवान हसीना वाजिद और शेख मुजीब की तस्वीरों पर जूते बरसा कर अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ शेख हसीना वाजिद के रिश्तेदार निकले जनरल वकारुज़्ज़मान ने साबिक आर्मी चीफ मुस्तफ़ेज़ुर रहमान की बेटी सारा नाज से शादी की। जनरल रिटायर्ड मुस्तफ़ेज़ुर रहमान हसीना वाजिद के रिश्ते में फूफा हैं, इस तरह सारा नाज हसीना वाजिद की कजिन है। जो इस मुल्क में नफरत तकसीम फैला रहा है उसको अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए, उसको ही रिटायर होना चाहिए, उसको ही तौबा करनी चाहिए। लेकिन 70-75 की उम्रों पर पहुंचकर अगर आप कहें कि आप नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल ये ज्यादती है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, खुद के साथ भी और उस नौजवान के साथ भी जिसके आप नुमाइंदा नहीं हैं। आप अगर उस नौजवान के नुमाइंदा होते तो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाते। नफरत तकसीम और इंतशार फैलाने वाले मुहिब वतन नहीं हो सकते। 9 मई को आपने दहशतगर्दी की, आप जान छुड़ा रहे हैं। जेल में बैठे शख्स के पीछे पूरे मुल्क को क्यों ख्वार करते हैं? पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मलिक लफ्जीवार कहती हैं कि डिजिटल दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए हर कीमत अदा की जाएगी। जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो का नजरिया दफन हो चुका है। पीपल्स पार्टी आज भी नजीर भुट्टो की किरदार कुशी करने वाली जमात के साथ खड़ी है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रजा का शाजिया मरी को जवाब, कहा कि जिस नौकरी के ताने दे रही हैं वो यही नौकरी 2.5 साल से कर रही है। जमात इस्लामी ने 8 अगस्त को धरना मार्च का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 8 अगस्त को मरी रोड पर मार्च, 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पिशावर में धरना दिया जाएगा। ताजरों के मुशावरे से 14 अगस्त के बाद मुल्क की शटर डाउन हड़ताल करेंगे। आईपीपी से मुआहिदों के खात्मे तक सड़कों पर रहेंगे। आईपीपी कैपेसिटी पेमेंट अवाम को किसी सूरत कबूल नहीं, हुकूमत मुजाकरात में संजीदा दिखाई नहीं दे रही। असद उमर कमरे अदालत पेशी के दौरान बेहोश, साबिक विफाकी वजीर को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक असद उमर की तबीयत बेहतर होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। एक और पीटीआई रहनुमा अली इम्तियाज वड़ाइज की लाहौर एटीसी में तबीयत बिगड़ गई, कहा अदालत में घुटन के बाइस तबीयत खराब हुई, अब ठीक है। लाहौर हाईकोर्ट ने आलिया हमजा को बलूचिस्तान पुलिस के हवाले करने से रोक दिया। पीटीआई रहनुमा को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार या किसी भी सूबा में मुंतकिल करने से रोकने का हुक्म भी जारी। जस्टिस अली बाकर नचवी ने आलिया हमजा के शौहर हमजा मलिक की दरख्वास्त पर समाप्त की। यौम आजादी पर चीफ जस्टिस ने हजारों मुरबा फुट खानदानी जमीन कौम को वक्फ कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने 31,680 मुरबा फुट जमीन हुकूमत को दे दी। काजी खानदान ने अराजी हुकूमत को देने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। पंजाब फिर लीड ले गया, तुलबा के लिए बाइक्स का वादा पूरा। तारीख में पहली बार तुलबा के लिए ई और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ई बाइक प्रोजेक्ट में केस कम अज कम मुकर्रर करने की हिदायत। ई बाइक प्रोजेक्ट बाइक की फराहमी का मनसूबा तुलबा के लिए आसानियां पैदा करेगा।
कराची के अवाम और मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी, सिंध हुकूमत का बस अड्डों के बाहर मुंतकली और मुफ्त शटल सर्विस शुरू करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मुफ्त शटल सर्विस का 14 अगस्त से आगाज होगा। कराची के शहरियों के ट्रांसपोर्ट मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बलदियाती नुमाइंदों का एजाजिया बढ़ाने का फैसला, वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने मंजूरी दे दी। तहसील मेयर का एजाजिया 40,000 से बढ़ाकर 80,000 कर दिया गया। वाइस चेयरमैन का एजाजिया 20 से बढ़ाकर 30,000 किया जा रहा है। मुंतखब नुमाइंदों के दफातर के लिए महाना किराए की मद में फंड्स जारी होंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, अगले दो रोज में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 13 अगस्त से शहर कायद में मानसून का 5वां स्वेल मुतवक्के। दादू, ओबाड़ू और डहरकी समेत अंदरून सिंध में बारिशें। सजावल में नहर पर पुल न होने के बायस लोगों को अपने प्यारों की तदफीन में मुश्किलात।